नमस्कार दोस्तों, जय बजरंगबली। चलिए बजरंगबली का नाम लेकर शुरू करते हैं। मैं आज आप लोग के अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एग्री स्टेशन, इस पर मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊंगा जड़ों का रूपांतरण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके प्रच्छा दृष्टिकोण से। और सबसे बड़ी बात यह है, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग से, विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई सुझाव देना हो या फिर जैसे भी हम कैसे कोई सुझाव देना चाहते हैं या फिर कोई सुधार करवाना चाहते हैं तो उस पर ज़रूर जो है अमल किया जाएगा। तो चलिए मैं आज आपका टॉपिक शुरू करता हूँ, जड़ों का रूपांतरण। तो पहला है आपका तर्क रूपी जड़। क्या बोलते हैं? तर्क रूपी जड़। इसके लिए क्या कहते हैं? फ्यूजीफार्म। ठीक है, ये रूपांतरित जड़ है मूली का। मूली ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं मूली, इंग्लिश में बोलते हैं रेडिश। ठीक है दोस्तों, दूसरा है कुंभ रूपी जड़। इंग्लिश में कहते हैं इसको नेपी फार्म। ठीक, इसे ये किसका रूपांतरित जड़ है? सलजम का दोस्तों। ठीक दोस्तों, अगला है शंकु रूपी जड़। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोनिकल। ये आपका किसका रूपांतरित जड़ है? गाजर का रूपांतरित जड़ है कैरेट का। ठीक दोस्तों, गाजर। ठीक, अगला है कंदील जड़। को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्यूबरस रूट। ये आपका किस में पाया जाता है? बरगद में, उसमें शकरकंद में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, शकरकंद। ठीक दोस्तों, शकरकंद। अगला है सहायक जड़े। इंग्लिश में कहते हैं प्रॉप रूट। सहायक जड़ क्या होता है दोस्तों? सहायक, जो आपकी सहायता करे आगे बढ़ने में। अब सोचिए, अब दिमाग लगाइए, किस में पाया जाता है? बरगद महाराज में ये पाया जाता है सहायक जड़े। बरगद, आप लोगों ने देखा होगा बरगद में बहुत सी लताएं नीचे तक जमीन तक चली जाती हैं, इतनी वो सब होती है, वो सब सहायक जड़े हैं इसकी। ठीक है दोस्तों, ये बरगद का रूपांतरित रूट है, ये बरगद का रूपांतरित जड़ है सहायक जड़े। ठीक दोस्तों, अगला है आपका आरोही जड़े। इंग्लिश में कहते हैं क्लाइंबिंग रूट। आरोही जड़े इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लाइंबिंग रूट। ये किस में पाया जाता है? पान में। पान को आप लोगों ने देखा होगा, ये पान का पेड़ होता है, लेकिन ये नहीं कि जो है वृक्ष की तरह विशाल होता है, ये क्लाइंबिंग होता है, चढ़ के जो है, जैसे मान लीजिए दीवार के सहारे, जैसे आपका मान लीजिए कद्दू वगैरह देखे होंगे आप लोग, तो उसी तरह से ये भी जो है उगता है आपका। ठीक है, तो इसके पत्ते यूज होते हैं पान के, तो पान का रूपांतरित जड़ है आपका आरोही जड़। इंग्लिश में कहते हैं क्लाइंबिंग रूट। ठीक दोस्तों, याद ना हो बजरंगबली का नाम लेना, सरस्वती माता का नाम लेना, दिमाग को एकाग्र करके बैठिएगा, याद अवश्य होगा, आपके परीक्षा दृष्टिकोण से जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हीं बच्चों को नहीं याद होगा जिनको अपने परीक्षा की जरा सी परवाह नहीं होगी। ठीक दोस्तों, अगला है श्वसन जड़े। इंग्लिश में कहते हैं रेस्पायरेटरी रूट। ठीक है, श्वसन यानी सांस लेने में आराम मिले, ठीक, सांस अच्छे से मिले, ठीक, उसको कहते हैं हम लोग श्वसन जड़े रेस्पायरेटरी रूट। ये किस में पाया जाता है? राइजोफोरा और मैंगो प्लांट। ठीक है, राइजोफोरा और मैंगो प्लांट, ये दोनों अलग अलग प्लांट हैं, अलग अलग पौधे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है इसका रूपांतरित जड़ है राइजोफोरा और मैंगो प्लांट। ठीक दोस्तों, तो बजरंगबली का नाम लेकर इसी के साथ आपसे मैं अलविदा होना लेना चाहूँगा, आपकी इजाज़त चाहूँगा दोस्तों। अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे एक नए ही बहुत ही रोचक तथ्य के साथ, बहुत ही रोचक टॉपिक के साथ। इसी के साथ मैं जो है अलविदा लेना चाहूँगा, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे नए नए अपडेटेड वीडियो आपके तक तुरंत पहुँचें और सबसे पहले पहुँचें। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।